क्या है भाई, क्यों अल्लाह मचा रहे हो तुम? हैं, क्यों अल्लाह मचा रखा है तुमने? उठो, नहीं सो जाओ चुपचाप, अभी थोड़ी देर और सो जाओ ना, थोड़ी देर सो जाओ। रुरु, क्या करिए? मेरी वीडियो शूट नहीं करवाता आजकल। आज मेरी तबीयत खराब है भाई, फिर भी देख लो मैं अपनी एडिटिंग कर रहा हूँ। और क्या चाहिए? गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत दिन की। तो जैसा कि आपको पता ही है, कल वाले ब्लॉग में भी मैंने बताया था कि थोड़ा सा फीवर मुझे लग रहा आने वाला है, तो आया था रात में। थोड़े जॉइंट्स वगैरह बोल रहे हैं, दिक्कत कर रहे हैं, और कल हमने एक्सरसाइज भी करी थी हैवी, तो उस वजह से भी जो है बहुत सारी चीज़ें दिक्कत कर रही है, जैसे कि चेस्ट में दर्द हो रहा है, हमने ट्राइसेप किया था तो ट्राइसेप दुख रहा है, शोल्डर भी करे थे कल हमने तो शोल्डर भी दुख रहे हैं, तो मिक्स हो रही है दोनों चीज़ें फीवर के बाद और वो। पर फिर भी भैया अपनी एडिटिंग करी है, थोड़ी सी लेट आई थी वीडियो, लगभग 1 बजे करीब आई थी, घंटे लेट आई थी। पर भैया बहुत लोग बोलते हैं कि भैया आप जॉब नहीं करते, बहुत जो लोग नए आते हैं, तो भैया हम जॉब नहीं करते, पर हम ऐसा काम करते हैं जिसमें कोई छुट्टी नहीं होती है, डेली काम करना होता है। तो ठीक है, चाहे बुखार हो चाहे कुछ भी हो, काम करना पड़ेगा। भैया अब तो शैम्पू का भी क्रेडिट कार्ड आ गया है। हैं शैम्पू जी, अब तो बड़े आदमी हो रहे हो। हैं, क्या मंगाओगे इससे? कुछ नहीं, कुछ हैं, नहीं, देखने के लिए बस। देखने के लिए? अच्छा, अब तो फोन भी आ गया पैसे ही, अब क्रेडिट कार्ड से क्या मंगाएगा? मैकबुक? देखो क्या आता है। चलो भाई देखते हैं इसके क्या क्या डेट वेट क्या दिए हैं, इसमें क्या लिमिट दी है। सबको नहीं बता रही लिमिट? सबको बता दूं, 5 करोड़ की लिमिट है, 5 करोड़ इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक बार में खर्च कर सकते हैं, मतलब इन्वेस्ट कर रहा हूँ। वाली बात तो बता दूं, क्रेडिट कार्ड वाली का फोन आया था। क्या फोन करके बोलती है, सर क्रेडिट कार्ड से कॉल आया था। फिर उसके बाद कुछ बात हुई तो कह रही, सर आपको तो क्रेडिट कार्ड नहीं बन सकता। मैंने कि आज ही भेजा आपके बैंक कॉल हो रहे, तो सर कौन से बैंक से लिया? मैंने कि जिससे आप कॉल कर रही हो, HDFC से। मैंने कि यस। क्या देख रहे हो रूरू? खत्म हो गई, अब नहीं है। रूरू रूरू खत्म। तो अभी दिव्यांश आया था भाई मिलने के लिए रूरू से, बस अभी चलते हैं। लगभग आज 4:30 हो गए, आज कुछ वैसा कुछ काम हुआ नहीं। आज वैसे बॉडी थोड़ी अजीब सी हो रही है, पर एक प्रिया का काम था, एक तो टैक्स वगैरह का था, वो सब चेक किए हैं, शैम्पू अपना लगा हुआ है एडिटिंग पे। शैम्पू पेटीज कैसी लगी? अरे पेटीज बढ़िया थी। हाँ बढ़िया, मजा आ गया। मजा आ गया ना, चल चुपचाप काम कर ले फिर। दाल रोटी भी खानी है अभी। शैम्पू भाई अपना मोबाइल दिखा रहा सबको, ओह मेरा नया मोबाइल, खुशी खुशी। चलो भाई अभी बस कुछ और देखते हैं क्या काम करना। 4:30 बज गए, अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या काम करना। अरे यार मुझे हॉस्पिटल जाना था, वो वहाँ से वो हो गए डिस्चार्ज हो गए। अरे उसमें से जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गए, तो अभी हम जाके एक बार चेक करके आएंगे ना, अब मिल सकते हैं एटलीस्ट, है ना। चले कितनी देर में चलोगे तो? 1 घंटे में चल रहे, ठीक है चलो 1 घंटे में फिर हॉस्पिटल जाएंगे, वो खत्म करते हैं। तो ये काम बहुत सारे अब याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अब सुबह से बैठे थे ना ऐसे ही, तो अब एकदम से याद करने पड़ेंगे अब क्या क्या काम करने। बहुत ठंड हो रही है, ठंड आज बारिश हो गई मस्त वाली। क्या क्या कह रहा है? बर्फ पड़ रही है उत्तराखंड में। चले उत्तराखंड में? चलो बता कब। अब तुम लोग डिसाइड करो कब चलना है। अब न्यू ईयर बर्फ पड़ रही है। आज क्या डेट क्या है? 28 है ना, तो फिर तो न्यू ईयर से पहले तो कोई जाने मतलब नहीं है। 28-29 को जाएंगे, फिर क्या, फिर 30 को थोड़ी आ जाएंगे। तो न्यू ईयर पर तो हमें यहाँ पे अब दोस्त वोस्त सब आ रहे हैं, तो पार्टी ही है, ठीक है भाई। जिस दिन बर्फ गिरेगी उसी दिन तो जाना सही है ना। अबे तो एक उसके 31 के बाद जाएंगे ना, अगर 31 के बाद बर्फ ही नहीं गिरी। अच्छा भैया जनवरी में ही सबसे ज्यादा बर्फ पड़ती है, कैसी कैसी बातें करता है कभी कभी। तो फिर वो 10-15 को पड़ेगी। हाँ तो जो भी डेट होगी सब से देख लेंगे। और राजस्थान भी जाना है, या तो पहले उत्तराखंड जाके राजस्थान चले जाओ, या फिर पहले राजस्थान जाके उत्तराखंड चले जाओ। भाई ये राजस्थान वाला प्लान कब बना तुम्हारा? भाई सर्दियों में ही राजस्थान जाया जाता है, बढ़िया मौसम होता है उस टाइम वहाँ पे ठंडा, मतलब बाद में जाओगे ना। या तो जैसलमेर या फिर जो भी कुछ या हो सकता है उदयपुर जाए, इनमें से कोई डिसाइड करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा लगा क्योंकि टाइमिंग जो स्नोफॉल की है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? हाँ तुम्हें भी ले जाएंगे, तुम्हें भी ले जाएंगे। अगर ऐसा हो ना कि अगर स्नोफॉल की टाइमिंग लेट है ना, और अभी गैप है 15-16 के बाद होने वाली है, तो फिर हम पहले वहाँ चल देंगे राजस्थान, ठीक है। तेरा काम तेरे को अपना एडजस्ट करना पड़ेगा, कैसे करेगी तू? हैं, एक्स्ट्रा में कर ले चाहे कुछ हो जाए। हाँ शैम्पू एडिटिंग पे लग जाओ भैया चुपचाप, ठीक है। मतलब कम से कम तुम पे 2-3 वीडियो एक्स्ट्रा होने चाहिए, इससे वहाँ जाए तो दिक्कत ना हो, ठीक है। चार नहीं तू तो 6 बनाइयो, वहाँ एडिट हो जाएंगे ना बाकी। यस हाँ करो चटकारे मारो। अरे बतक नहीं खानी, चटकारे मारो आओ। डल गई स्टोरी? हैं डल गई?
आईफोन आईफोन के साथ कम से मिरर सेल्फी ले रहा है no. अच्छा no, लोगों को दिखाएगा कि मैंने आईफोन ले लिया है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मैं अपने कुछ गेम्स मतलब कल वो कर रहा था ना अच्छा अच्छा थोड़ी बहुत चेक कर रहा हूं हां दिख रहा है मुझे क्या चेक कर रहा है तू साले दिखावे में मरता तू भी है पैसा खर्च कर रहा है तो दिखाएंगे तो अभी शाम के लगभग 7 बज गए हैं और मैं अभी रोटी बनाने आई हूँ देवेश के लिए पीछे एक्चुअली मुझे भी आज बहुत काम था पूरा दिन ऐसे निकल गया लेकिन देवेश को कल रात से बुखार है तो वो आज सुबह से थोड़ा लो फील कर रहा है और मतलब ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा है तो जब उसको कुछ ऐसा हो जाता तो हमारा पूरा घर इधर उधर हो जाता है एकदम समझ नहीं आता क्या करें कैसे करें तो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं मैं सोच रही उसके लिए खाना लेके जाऊँ शायद उसको थोड़ा अच्छा लगे अभी सिंपल दाल रोटी खाएगा तो आई थिंक थोड़ा अच्छा फील हो उसको दवाई भी दूंगी मुझे लग रहा है फिर से थोड़ा हल्का सा बुखार आ रहा है उसको तो आई होप कि जल्दी से ठीक हो जाए क्योंकि उसके बिना चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो जाती हैं चीज़ें सही जगह पे बैठती नहीं दिमाग थोड़ा सही नहीं रहता है फिर यू नो आपको तो पता हो घर में कोई बीमार हो तो कैसा लगता है और लाऊं रोटी तुम भी खा लो मैं भी खाऊंगी खाओ रोटी और लाऊं और कुछ चाहिए सलाद वगैरह अभी ये सही है मैं तो कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा बुखार की वजह से इसके बाद गोली लेना ये खा लो ठीक है मैं आ रही हूँ